तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जी टीवी पर आने वाले सीरियल मैं हूं अपराजिता की कास्ट के पर डे सैलरी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे और जानकर चौंक जाएंगे। तो अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट निशिकांत दीक्षित, जो कि सीरियल में मंत्री का किरदार निभा रही हैं। और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड का निका 25,000 रूपए लेते हैं। नंबर सेकंड एबी रहमान, जो कि सीरियल में गुगुआ का किरदार निभा रही हैं। और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड का निका 20,000 रूपए लेते हैं। नंबर थर्ड अमिता खोपकर, जो कि सीरियल में दादी का किरदार निभा रही हैं और ये एक एपिसोड करने का 25,000 रूपए लेती हैं। नंबर फोर्थ थवनी गौरी, जो कि सीरियल में दिशा का किरदार निभा रही हैं और इनके पर डे सैलरी की बात की जाए तो ये एक एपिसोड करने का 30,000 रूपए लेती हैं। नंबर फिफ्थ श्रुति चौधरी, जो कि सीरियल में आशा का किरदार निभा रही हैं और ये एक एपिसोड करने का 28,000 रूपए लेती हैं। नंबर सिक्स मानव गोहिल, जो कि सीरियल में अक्षय का किरदार निभा रही हैं और ये एक एपिसोड करने का 50,000 रूपए लेते हैं। नंबर सेवेंथ श्वेता तिवारी, जो कि सीरियल में अपराजिता का किरदार निभा रही हैं और ये एक एपिसोड करने का 55,000 रूपए लेती हैं। नंबर एट्थ श्वेता गुलाटी, जो कि सीरियल में मोहिनी का किरदार निभा रही है और ये एक एपिसोड करने का 40,000 रूपए लेती है। नंबर नाइन्थ अनुष्का मीरा चंदानी, जो कि सीरियल में छवि का किरदार निभा रही हैं और ये एक एपिसोड करने का 30,000 रूपए लेती हैं। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।